नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ अभी स्टूडियो में हैं ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर और दवा मामलों के जानकार मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन। उनका स्वागत है। धन्यवाद मुस्तफ़ा जी। को मैंने आज इसलिए बुलाया कि देखिए, पूरी दुनिया जो है कोरोना से लड़ रही है और हम आप सभी परेशान हैं। स्टूडियो के भीतर हैं अभी हम लोग, इसलिए मास्क में नहीं हैं, सेफ हैं। तो कोरोना की इस लड़ाई में जो WHO ने कहा, जो डॉक्टर बता रहे हैं, जो भारत सरकार कह रही है कि आपको मास्क पहनना है जब आप बाहर निकलते हैं, आपको समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। तो देखिए, बिहार में जो नीतीश कुमार बराबर कहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो गलत करते ही रहते हैं, इधर उधर करने वाले लोग होते ही हैं। तो देखिए, बिहार में क्या हो रहा था और ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया कि जब कोरोना से बचने के लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को, तो बिहार में सैनिटाइज़र भी नकली बनने लगा। और किस किस कंपनी का नहीं, जिसका जिसका नाम लेंगे सबों का, पाल्मोलिव हो गया, कॉलगेट हो गया, डाबर हो गया, तमाम बड़ी कंपनियों की। तो ब्रांड प्रोटेक्शन का काम ये है, जो इनकी कंपनी है जिसके ये एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कि कोई भी कंपनी इनको अधिकृत करती है कि यदि मार्केट में कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है तो आप उसकी खबर रखिए और इसे रोकथाम के लिए प्रशासन की सहायता से आप उसे बंद कराइए। तो मुस्तफ़ा हुसैन से जो हमारी बातचीत हुई, देखिए, बिहार में सैनिटाइज़र नकली बन रहा है इसकी जानकारी पहुँचती है अमेरिका और इंग्लैंड में, क्योंकि जो पैरेंट कंपनी है, अभी ये बताएंगे, वो अमेरिका और इंग्लैंड में है। अमेरिका और इंग्लैंड मुस्तफ़ा हुसैन से संवाद करती है कि देखिए, आपके बिहार में ऐसा ऐसा हो रहा है, इसे रोका जाना जरूरी है। मुस्तफ़ा हुसैन कहते हैं, देखिए, कंपनी तो मैंने छोड़ दी है, लेकिन चूंकि ये इनका पुराना रिश्ता रहा है उन कंपनियों से, तो उनका कहना है कि नहीं, आप व्यक्तिगत रुचि लीजिए, फिर इन्हें लगता है कि नहीं, ये कोरोना की लड़ाई है, इसमें हमें आगे आना चाहिए। तो ये फिर पता करते हैं और रेड की तरफ बढ़ते हैं। रेड होता है हाजीपुर में, हाजीपुर में रेड होता है और रेड को लाइव करना होता है। जो कंपनियां होती हैं, जो पैरेंट कंपनी होती है, वो चाहती है कि जो उनका प्रोडक्ट जहां भी नकली बिक रहा है या नकली बन रहा है, यदि वहां रेड हो रहा है प्रशासन की मदद से और ब्रांड प्रोटेक्शन की मदद से, तो उसे उनका हेडक्वार्टर वीडियो लाइव देखे, मतलब लाइव वीडियो पर दिखाई पड़े कि कैसे कैसे क्या हो रहा था, ताकि इसे आगे से रोका जा सके। तो अब हम मुस्तफ़ा हुसैन से जानते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे कैसे आपने हाजीपुर में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी को पकड़ा और फिर किस प्रकार से वहाँ जब्ती बरामदगी हुई। मुस्तफ़ा जी, जैसे रैकेट बैंकिस्टर कंपनी है, रैकेट बैंकिस्टर जी, यूके बेस्ड कंपनी है, कोलगेट पामोलिव है जी, US बेस्ड कंपनी है जी। ये लोगों को मतलब सेल्स टीम, इंडिया के जो सेल्स टीम है, वहां से इन्फॉर्मेशन आ रहा था बिहार में ये नकली प्रोडक्ट काफी ज्यादा सेल हो रहा है, और भी इंडियन काफी बड़ी कंपनीज का जी। तो हमसे रिक्वेस्ट किए ये लोग कि आप लोग इस पर कुछ एक्शन लिए, तो हम लोग तो उस वक्त रिजाइन कर दिए थे ब्रांड प्रोटेक्शन से, एज ए समाज सेवी हम लोग अपना मतलब ये बोले कि पर्सनली ये कीजिए। तो हम लोग की टीम गई जाकर वहाँ पर ब्रांड प्रोटेक्शन के हेल्प से जाकर सर्वे करिए पूरे बिहार में जी। तो वहाँ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि वैशाली जिले के सदर थाना एरिया में, हाजीपुर में जी, ये नकली प्रोडक्ट जो है यहाँ पर लार्ज स्केल पर बनाया जा रहा है। अच्छा, बड़े पैमाने पर। तब उसके बाद से हम लोग की टीम वहाँ पर सर्वे करने गई। सर्वे करने गई तो ये वैशाली सदर थाना से मुश्किल से 100 मीटर बगल में एक पतली गली में, यहाँ पर ये एक मकान में एक फैक्ट्री चल रहा था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब हमारी टीम कंफर्म कर ली, तब वहाँ की SP से बात कर उस रेड में हम खुद प्रेजेंट, मतलब बिहार पुलिस से मदद किया। उसके बाद मतलब US की जो कंपनी है उन लोगों को लाइव मतलब रेड का पूरा वीडियो चाहिए था। अच्छा, जब रेट चल रहा था तो आप लाइव अमेरिका और इंग्लैंड में जो कंपनी थी वो लाइव थी जी, जी, वो देख रही थी कि कैसे यहाँ बन रहा है स्टार्टिंग में, मतलब उतर गाड़ी से उतरने के साथ ही जी। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पर रेट किए लोकल पुलिस के हेल्प से, तो वहाँ पर एक मकान में अंदर में दरवाजा खुलवाया गया, तो वहाँ पर कारीगर लोग मिले, अंदर में वर्कर लोग हैं जो कोलगेट पामोलिव का मतलब नकली सैनिटाइजर, उसके बाद से डिटॉल जो है उसका नकली सैनिटाइजर। अच्छा, डिटॉल का भी। डिटॉल का देखिए कितने लार्ज स्केल पर हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग मानते हैं कि ये तो बिल्कुल सही होगा,
उसके बाद से है आपको डाबर करने के लिए सैनिटाइजर जी, बजाज करने के लिए सैनिटाइजर, गोदरेज करने के लिए सैनिटाइजर जी, और मेडिको करने के लिए सैनिटाइजर जी, उसके अलावा और भी दर्जनों कंपनी का नकली सैनिटाइजर फिनिश वहाँ कम से कम 10,000 बोतल वहाँ पे रखा हुआ था। अच्छा, तैयार किया हुआ। कितने लोग थे वहाँ? वहाँ पे उसमें 4 लोग थे। अच्छा, एक मालिक थे वहाँ पर से जी, और 3 वर्कर थे। अच्छा, और तो मालिक को मतलब पूरे सामान के साथ में मशीनरी सारा प्लांट वहाँ पर लगा हुआ था सैनिटाइजर का। ये कितने दिनों से चल रहा था? ये पिछले 6 महीने से चल, मतलब जब से कोरोना की लड़ाई शुरू हुई है इन्होंने नकली सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। हाँ जी। अब सोचिए कैसे कैसे लोग हैं, इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ मुस्तफा जी? फिर उसके बाद से मतलब उतना सामान काफ़ी ज़्यादा था, फिर बाहर से भी हम लोग को फोर्स जो लोकल SP को फ़ोन किए, फोर्स काफ़ी ज़्यादा है जी। वो टाटा 407 आया तो उस पर सारा प्रोडक्ट रैपर मशीनरी जो बड़ा बड़ी मशीनरी थी पैकेजिंग की ऑटोमेटिक। अच्छा, पैकेजिंग की ऑटोमेटिक मशीनरी जी, ऑटोमेटिक मशीन बिल्कुल ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह टोटल एकदम सिस्टम वाइज इन लोग अपना बना के ये लार्ज स्केल पर कर रहे थे। पूछताछ करने पर ये लोग बोले कि पूरा पटना सिटी है, गया है, सारण डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर है, सिवान है, और जगह एरिया में पूरा लार्ज स्केल पर सप्लाई लोग का हो रहा है। अच्छा जी। अच्छा, तो ये आपने जो वो देखा वहाँ, आपने समझा भी होगा कि नकली सैनिटाइजर ये बनाते कैसे हैं, क्या सिस्टम आपको दिखाई पड़ा, कैसे बनाते हैं नकली सैनिटाइजर? तो इन लोग से जब हम लोग देखिए, जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो पाप कीजिएगा मत, वो पाप कीजिएगा तो भीतर जाइएगा और आप ऐसा पाप कर रहे हैं जिसमें आपके परिवार का भी कोई व्यक्ति इस नकली सैनिटाइजर से अपने को संक्रमित कर सकता है, अपनी जान धो सकता है। इसलिए ऐसा पाप प्लीज 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 मत कीजिएगा, कानून के भागीदार तो आप होंगे। हाँ बताइए मुस्तफा जी, कैसे बन रहा था ये? ये लोग है मतलब इन लोग से पूछताछ करने पर ये लोग बोला कि 100 लीटर डिस्टिल वाटर को मतलब 100 लीटर डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर में जी, ये लोग एक केमिकल्स आता है जिसको ग्वारगम बोलते हैं, ग्वारगम, ग्वारगम पाउडर जी, 1 kg ग्वारगम पाउडर को ये लोग 100 लीटर मतलब पानी में ये मिक्स करके गर्म करके ये लोग अपना उसको ये 1 घंटा छोड़ देता है। अच्छा, उसके बाद से वो सोल्यूशन एकदम वाइट जो होता है वो आपको ग्लिसरीन की तरफ वो तैयार हो जाता जी। फिर उसके बाद उसमें ये लोग डाल देता है 10 लीटर स्पीड जी, स्पीड डाल दिया तो वो एक तो गाढ़ा हो गया सोल्यूशन जी, और उसका स्पीड का महक भी आ गया सैनिटाइजर का। अच्छा, बस यही करके इन लोग का ये था, मतलब 1 लीटर पाउडर से, केमिकल पाउडर से 100 लीटर बना लेते, 100 लीटर सैनिटाइजर, जबकि वो 300 रुपये kg है, 300 रुपये kg से मतलब 100 लीटर 100 लीटर सैनिटाइजर। सोचिए कितना बड़ा पाप हो रहा था, कैसे जिंदगी से खिलवाड़ हो रही थी। देखिए हॉस्पिटल्स और पैकेज बेच ही रहे हैं, शायद आप उस पर भी मुकदमा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग PIL फाइल किए हैं पटना हाईकोर्ट। अच्छा मुस्तफा जी, आपने ये पता किया कि ये जो लगातार 6 महीना से बना रहे थे ये कहाँ कहाँ मार्केट में, क्योंकि देखिए आपने फैक्ट्री तो पकड़ ली लेकिन जहाँ जहाँ नकली सैनिटाइजर पहुँच गया और जो इनके रिसीवर हैं, जो इनके दुकानदार खरीद रहे थे या स्टॉकिस्ट खरीद रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की सख्त जरूरत है, क्योंकि देखिए ये आदमी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है जी। और इस कोरोना काल में इस पर क्या कर रहे हैं आप लोग? इसमें इन लोग नाम दिया है कि हम लोग कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, जो बड़े बड़े हॉकर लोग हैं उन लोगों का डिटेल्स मिला है जी। पुलिस को भी हम लोग नंबर दिए हैं, आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी भी US के भी लोग हैं, ये लोग चाहते हैं जी पूरा एक चेन खत्म हो। अच्छा, इस टाइप से ये करके। अच्छा, तो उस पर टीम ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस पर आगे भी रेड बहुत जल्दी ही इस पर और जगह भी होगा। अच्छा, और भी रेड होगा? और भी रेड होगा, सूचनाएं हैं जी जी, सूचनाएं सूचना हम लोग को मिला हुआ कि रैपर ये लोग कहाँ से लाते थे। अच्छा, कहाँ रैपर ये प्रिंट करवाते थे, सब मिला हुआ सारा सब कुछ। तो ये मूल रूप से सैनिटाइजर बनाने की कंपनी नकली कंपनी बना लिए थे या नकली फैक्ट्री लगा लिए थे कि इसके पहले भी कुछ और बनाते थे? नहीं, इसके पहले ये लोग पाउडर बना रहा था। अच्छा, पाउडर बना और पाउडर का काम करता था। अच्छा, जब से ये कोरोना का वक्त आया तब ये लोग बोला कि हम लोग ये सैनिटाइजर में ज्यादा डिमांड है, मार्जिन है। हाँ, तो ये लोग टोटल सैनिटाइजर का सारी कंपनी का रैपर ये लोग अपना दिल्ली से लाता था। अच्छा, रेडीमेड रैपर है। हाँ, बोतल वोटल भी इन लोग का लाखों बोतल, एम्प्टी बोतल सब, लाखों बोतल पका, बोतल काफी ज्यादा है जी। उसका कैप है, रैपर्स है, रॉ मटेरियल्स है, टोटल मशीनरी प्लांट सब कुछ यहाँ पकड़ा है। तो आप जैसा बता रहे हैं कि 100 लीटर डिस्टिल वाटर और 1 किलो पाउडर केमिकल, 1 किलो पाउडर जो 300 रुपए का ना, 300 रुपए के, 300 रुपए का है। और 100 लीटर डिस्टिल पाउडर की कीमत क्या होगी? डिस्टिल वाटर 500 रुपीज पर लीटर। नहीं नहीं, 100 लीटर, 100 लीटर का, 100 लीटर, 100 लीटर मतलब 800 में 800 रुपए की लागत में ये 100 लीटर, 100 लीटर तैयारी कर रहे हैं। क्या मुनाफा था, ये तो बिल्कुल लूट है एकदम, मतलब 1 रुपए 1.5 रुपए कॉस्टिंग इन लोग का जा रहा था। तो आपको लगता है कि इसके लिए स्पीडी ट्रायल और बिहार पुलिस को ऐसे लोगों को सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए?
जी इसमें तो हम लोग चाह रहे हैं वहाँ के सीनियर एसपी को भी, इसमें डीजीपी साहब को भी लेटर लिख कर दिए हैं कि इसमें और भी जो चेन है इस पर और भी सेक्शन लगे। हम लोग तो इस पर कॉपीराइट 420 120 भी, कॉपीराइट 420 तो ठीक है मुस्तफ़ा जी, ये तो बिल्कुल मानव जीवन के साथ जब इस भीषण त्रासदी में हम जी रहे हैं कि इसको कोरोना कहाँ पकड़ ले रहा है, और जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें दुकानदार देता है तो हम मान लेते हैं ये सैनिटाइजर है, और आप जैसा बता रहे हैं कि वो लिक्विड बिल्कुल ऐसा तैयार होता है जो लगता ही है कि ये सैनिटाइजर ही है, एनम सैनिटाइजर ही है। तो हमने सैनिटाइजर से अपना, उस नकली सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ कर लिया। कुछ नकली असली की पहचान का कोई तरीका है क्या? नकली असली में क्या है कि जो जो भी हमारा जो ये कहना है कि अभी अभी के वक्त में जो भी सैनिटाइजर लें चाहे एक पीस भी है, अगर वो लोग बिल देता है तो उसको हम लोग ऑथेंटिक मान सकते हैं, क्योंकि ये लोग के रैपर का जो क्वालिटी है और बोतल का क्वालिटी है एकदम 95% ओरिजिनल से मैच करता है इन लोगों का। अच्छा, तो देखिए ये मुस्तफ़ा हुसैन सलाह दे रहे हैं कि जो ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और दवा मामलों के जानकार हैं, कि इस कोरोना काल में आप कोई भी दवा लीजिए, कोई भी सैनिटाइजर लीजिए, कोरोना से जुड़ी कोई भी सामग्री लीजिए, तो दुकानदार से कहिए कि इसका रिसिप्ट दो, ताकि जैसे ही आप रिसिप्ट मांगेंगे दुकानदार भी समझेगा कि ये जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो जानकार है, और यदि इसे हम नकली प्रोडक्ट देंगे तो फंस सकते हैं। फंस सकते जी, जी जी। तो आप PIL कर रहे हैं? PIL हम लोगों का कल फाइल हो रहा है, कल फाइल हो रहा है कल पटना हाई कोर्ट में, जिसमें आप हॉस्पिटल पर भी जा रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल वाले मुद्दे पर भी है कि जो 6,32,000 वो भी है जी, सब कोरोना काल में जो कुछ है मेडिसिन का ये ब्लैक हो रहा है उसके लिए भी है, ऑक्सीमीटर भी 500 रुपये का ऑक्सीमीटर 2,000 में 2,500 में भी 2,500-3,000 में ये लोग बेच रहे हैं, इस पर भी हम लोग इशू इसी को लेकर हम लोग PIL फाइल किए हैं। चलिए अच्छी पहल है, आपने सुना कि किस तरीके से बिहार में सैनिटाइजर, नकली सैनिटाइजर को रोकने के लिए मुस्तफ़ा हुसैन ने लड़ाई लड़ी है। आपसे भी हम अपील करते हैं कि यदि आपको ऐसी कोई जानकारी मिलती है, देखिए जाहिर तौर पर हाजीपुर में जहाँ नकली सैनिटाइजर बन रहा था वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को कुछ तो सुबुगाहट होगी कि देखिए यहाँ क्या बन रहा है, किस तरीके के रैपर आ रहे हैं, किस तरीके की पैकेजिंग हो रही है, किस तरीके से माल जा रहा है। तो जहाँ भी आपको लगता हो आप तत्काल प्रशासन को खबर करें, तत्काल पुलिस को खबर करें, और अपने को बचाएं, समाज को बचाएं, क्योंकि कोरोना से हमें जीतना है। और आप समझ सकते हैं कि जब अमेरिका में बैठी कंपनी, इंग्लैंड में बैठी कंपनी को यह भनक मिल जाती है कि बिहार में नकली सैनिटाइजर बन रहा है, तो हम कहाँ चुक जाते हैं, हमारा प्रशासन कहाँ चुक जाता है कि हमें खबर नहीं लगती है कि यहाँ ये पाप हो रहा है। तो ऐसे मामलों पर चौकन्ना रहना है। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। और हम अपने वीडियो एडिटर से अंत में यह निवेदन करते हैं कि जो रेट्स की लाइव वीडियो है उसे भी समय समय पर दिखाते रहें, ताकि लोग देख सके कि कैसे ये गलत धंधा पाप हो रहा था बिहार में। धन्यवाद।